हिंद साथियों, आप सभी को मेरा जोहार। तो साथियों, आप सभी जानते हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, जिसे माई क्वी योजना भी कहा जाता है, 2 जुलाई से इसका यहाँ पर अप्लाई करने का डेट रखा गया था कि 2 जुलाई से आपका अप्लाई होगा। बिल्कुल यहाँ पे स्रोतों से पता चल रहा है कि आज सुबह 11 बजे से आप लोगों का अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सभी कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए से आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झारखंड की सभी योजनाओं, सभी प्रकार की सूचनाओं को आपको इस चैनल पर पहले ही अपडेट करवा दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से। आपको पहले इस योजना के बारे में बता दूँ तो इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को मिलेगा, झारखंड के मूल निवासी को ही मिलेगा। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करें तो 21 से 50 वर्ष की महिलाएं ही इस योजना में आवेदन कर सकती है। कोई भी सरकारी नौकरी में यदि कार्यरत है या किसी परिवार का उस परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो वो योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि उन्हें पहले से पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी प्रकार का पेंशन हो, तो वह लाभ नहीं ले पाएंगी, ठीक है। और यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, है ना, राशन कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बिल्कुल जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हो वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, बैंक खाता में नाम अलग है, तो अभी सुधरवा लीजिए वो, और यहाँ पे गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, क्रोम ब्राउजर या फिर और किसी भी प्रकार का ब्राउजर हो, आप वहाँ पे चले जाओगे गूगल पे। सबसे पहले आपको गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है झारखंड सरकार महिला बाल विकास विभाग, फिर से सुन लेंगे, झारखंड सरकार महिला बाल विकास विभाग, इसमें सर्च करना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करोगे सबसे पहला साइट ही ओपन होगा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोसाइटी, ठीक है, यही विभाग है। इस विभाग के अंतर्गत ये जो भी सरकार के द्वारा जो महिलाओं को यहाँ पे आवेदन करना होगा इसी साइट पे अपलोड होगा, सबसे पहले अपडेट इसी साइट पे होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी का है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो यही साइट है, यहाँ पर खुलेगा और सबसे पहले लिंक यहाँ पे आएगा, देख सकते हो यहाँ पर ऑनरेबल जो मिनिस्टर है श्रीमती बेबी देवी हैं और सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है साथियों, आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो लेटेस्ट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी लिंक यहीं पर मिलेगा। तो आप सीधा यहाँ पर चले आओगे और यहाँ पर देखिए अभी तक हुआ है पहला बाल विकास सत्र, अटल वयो अभ्योदय योजना हुआ है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर सावित्री बाई फुले योजना आया है, ये सभी का हुआ है। इसके में यदि मैं बात करूं तो लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो 28 जून 2024 तक लेटेस्ट अपडेट हुआ है, यानी कि आज इसका लेटेस्ट अपडेट नहीं हुआ है। आशा की जा रही है कि 11 बजे तक यहाँ अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, एक भी चीज़ कमी नहीं कीजिएगा, 2 फोटो भी रख लीजिएगा और सभी कुछ आपको तैयार रखना है। यदि यहाँ पर ऑफलाइन भी भरा जाएगा, यदि आपका ऑफलाइन भी भरा जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट्स का PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट से निकाल करके ऑफलाइन भी भर करके CIC सेंटर में या फिर जहाँ भी जमा करना होगा पंचायत भवन में आप जमा कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही अपलोड होगा डॉक्यूमेंट्स मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा और आप यहाँ से आराम से भर सकते हो। तो आप चैनल पर बने रहिए, एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 11 बजे से या फिर इसके बाद से जब भी, सबसे पहले भारतवर्ष क्लासेस पर अपलोड होगा। धन्यवाद, ये था अभी तक का अपडेट, थैंक यू।